सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। तो स्वागत है। अब इस वीडियो में आपको मैं जो टेक्निक बताऊंगा वो आप लोग अगर कर लेते हैं तो जिस तरह से पीसी में जो भी स्क्रीन शो होती है उस तरह से आपके मोबाइल में भी वो शो करेगी। किस तरह से करेगी मैं इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे लिखता हूँ youtube.com। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास इंटरफेस ओपन हुआ है वो सिर्फ ओनली वन मोबाइल वर्जन की ही यहाँ पे ओपन हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पीसी में जिस तरह का स्क्रीन आता है, जो डेस्कटॉप साइड में आता है, उस तरह का इसमें शो हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर राइट में जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 डॉट, इस पर क्लिक करके नीचे डेस्कटॉप साइड हम लोग करते हैं। तो ये जो जिस तरह का पीसी या लैपटॉप में शो होता है उस तरह का यहाँ पे ये हम लोग के पास ये आ जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बार बार क्या इस तरह से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइड करूँ, ये तो बार बार करना हम लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये चीज़ हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ब्राउजर में फिर आना है क्रोम में, और उस आपको राइट के बगल में 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके अगेन आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपके सामने एक साइड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये साइड सेटिंग ऊपर में, इस साइड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन नीचे आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइड मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसको इनेबल कर दीजिए। अब ये डेस्कटॉप साइड आपका इनेबल हो चुका है, राइट। अब क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ से बैक आइए, यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड जो था वो पहले क्या हो रहा था यहाँ पे कि ये बंद था, लेकिन अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे सर्च करके YouTube लिखता हूँ, YouTube अब सर्च कर देता हूँ। अब देखिएगा ये मेरे पास जो है डेस्कटॉप साइड में ओपन होगा, न कि ये मोबाइल वर्जन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से पीसी या लैपटॉप में शो होता है इंटरफेस। तो ये अगर टिक्स आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, ताकि अगर मैं इसी तरह का आप लोग के लिए नॉलेज पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो लेकर मैं आता रहता हूँ। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी क्वेरी हैं, ज़रूर आप लोग लिख कर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।